आप किसी भी तरीके से चाहिए। तो साथियों आज तक चलती भी नहीं पर उस कोड़ियों के दाम में इन चीजों को बेचा जा रहा है। रेलवे का भी क्या किया गया है इन्होंने, रेलवे के पहले अलग अलग डिपार्टमेंट जो थे, कैंटीन हुआ, सफाई कर्मचारी हुए, उनको ठेके में डाल दिया। सारे सफाई कर्मचारी ठेके में है। ठेके का मतलब क्या है, जब तक आपके हाथ पैरों में जान है तब तक आप सर्विस करेंगे, उसके बाद आपको फेंक दिया जाएगा। तो साथियों उसके बाद क्या किया जा रहा है, जो वर्कशॉप है जहाँ पे ट्रेनों के डब्बे बनाए जाते हैं उन सबको धीरे धीरे करके निगम बनाया जा रहा है, उनको एक कंपनी बनाया जाएगा। और उसके बाद उन कंपनियों को जब वो घाटे में उन कंपनियों को अंबानी टाटा बिरला को बेच दिया जाएगा। साथियों रेलवे एक तो बहुत अच्छा यातायात का साधन है, पूरे देश में फैला हुआ है, पर साथियों रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं है, रेलवे हमारे देश की एक तरीके से अर्थव्यवस्था है। रेलवे न सिर्फ यातायात कराता है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को जो है रोजगार देता है, उनका पेट पलता है। रेलवे में जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो तो साथ में है, उसके अलावा जो पटरियों में बैठे होते हैं, जो चाय बेचने वाला होता है, जो रेलवे के डब्बे में मूंगफली बेचता है, उससे भी रेलवे जो उन कर्मचारियों का और उन लोगों के बच्चों का पेट भरता है। और जब ये प्राइवेट हो जाएगा तब क्या किया जाएगा, तब टेंडर दिया जाएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको टेंडर दिया जाएगा। जो मूंगफली वाला बड़ी मुश्किल से शादी बता रहे थे, चुकरवी को तोड़ के अंदर जाता है, वो अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि टेंडर दिया जाएगा। टेंडर किनको दिया जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों। तो साथियों तय बात है कि रेलवे का निजीकरण मजदूर मेहनत कशों की जिंदगी में और ज्यादा जिंदगी को और ज्यादा बुरा करेगा। और रेलवे ही ऐसा एक साधन बनता है जो देश में लाखों लोगों को रोजगार देता है, उसमें जुड़े हुए और उसके अलावा भी क्या किया गया, धीरे धीरे करके पहले 16-18 लाख कर्मचारी रेलवे कम है, किस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारे चीजों को धीरे धीरे करके ठेका निजी हाथों में इन कंपनियों को दिया जा रहा है, जैसे कि ये और ज्यादा मजदूर मेहनत कशों की जो जिंदगी है उसको दुर्भर कर सके या उनको लूट सके। तो आज जरूरत बनती है कि न सिर्फ रेलवे के कर्मचारी बल्कि पूरे देश के लोग जो मजदूर मेहनत करने वाले हैं वो रेलवे को बचाने के लिए आ गया है। रेलवे इतिहास उसकी जो ताबूत है, जो उसकी ताबूत है उसमें कील ठोकनी चाहिए। तो इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात करूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद, 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 रेलवे का निजीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, रेलवे का निजीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया साथी, खुदाई खिदमतगार से आप सभी साथियों बताना चाहते हैं कि आपकी तादाद चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन ये मोदी सरकार की जो नीति है, जो उसकी चाल है, जो फांसीवादी ताकतें हैं उनकी और हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने पहले सत्ता में आते हुए ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश की सबसे बड़ी संस्था रेलवे को इस वक्त बेचने की तैयारी कर रही है, उस सरकार के अगेंस्ट अभी ये तादाद काफी कम है, लेकिन ये आंदोलन जब मजबूत होगा तो मोदी सरकार ये हिल जाएगी। यहाँ से ये हम संदेश देना है इस देश में, लेकिन आप ये याद रखो कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार शेर कदम रास्ता हो खोरों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। इसी के साथ मैं अपनी बात कम्प्लीट करना चाहता हूँ, धन्यवाद। शुक्रिया साथी, 85 साथी साथियों मैं विनोद 50 की तरफ से आप सबको लाल सलाम। इसमें जो बैठे होते हैं वो थोड़े मजदूर वर्ग के लोग होते हैं और वो किसानों के लोग जो मजदूरी करते हैं वही लोग होते हैं, यानी कि अगर घटना भी होगी कोई तो मरेंगे तो वो पीछे गरीब और मेहनत कश के लोग ही मरेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो एक शासक वर्ग बैठा हुआ है वो किस मोदी जो अमित शाह जो होते हैं ये लोग ये थोड़े कुछ करते हैं, ये तो हरामगिरी करते हैं ऑफिस में बैठे बैठे। हम मजदूर लोग, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे भी मैं ये बातें क्या कह के मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि यार मुझे लगता है कि क्या क्या लोग सोचते हैं, लेकिन मैं मुझे लगता है कि हाँ ये सही बात है, हम मजदूर लोग ही तो कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बैठे बैठे हिंदू मुस्लिम कराए जा रहे हैं, पूरे समाज में लोगों को लड़ाए जा रहे हैं, जो लोग थोड़ा शिक्षित है उनको अपने गुंडे बना बना के लोगों को लड़ाई करवा रहे हैं, और जो बात है जो निजीकरण सिर्फ एक चीज का नहीं है, निजीकरण हेल्थ केयर का भी है, शिक्षा का भी है और रेलवे का भी है, और पता नहीं कितने
कितनी चीज हो रहे हैं जिसका निजीकरण हो सकता है। और ये सरकार जो है पूरी फांसीवादी सरकार है, और फांसीवाद सरकार हमेशा पूंजीपतियों को, बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनको फायदा पहुंचाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और अगर आप देखोगे तो शुरू से ही जब रेलवे का अगर इतिहास देखोगे तो उसने इंदिरा की सरकार गिराई थी उस समय वहां से बिहार से जेपी जब आंदोलन कर रहे थे और यहाँ से जो फर्नांडिस आंदोलन कर रहे थे रेलवे के लिए, तो उन्होंने एक हड़ताल के द्वारा जो उनका आंदोलन चला था संगठित होकर उन्होंने इंदिरा की सरकार गिरा दी थी। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी तमाम साथी बैठे हुए हैं, जितने भी संगठन के साथी बैठे हुए हैं, वो एकजुट होकर आज इस निजीकरण के खिलाफ, चाहे वो निजीकरण रेलवे का हो, चाहे हेल्थ केयर का हो, चाहे हमारी एजुकेशन का हो, उन सबके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए और संगठित होकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। और हमें जितने भी आंदोलन है, हम छात्र हैं, हम जितने भी आंदोलन है उनके साथ हमेशा हमें शामिल होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ, एक नारा देता हूँ, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंबानी अडानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। थैंक यू साथियों। साथी बस हम अभी इस सभा के अंत में आए हैं, मगर आंदोलन स्वाभाविक तौर से आज से शुरू हुआ है। दिल्ली में इससे पहले रेलवे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज उठी नहीं थी, मगर आशा है कि आज जब पहली आवाज उठी है इस शहर से, इन सभी जहाँ पे हमारे नियम हमारे कानून लागू होते हैं, जहाँ पे जिन ऑफिसों में बैठ के ये जिन दफ्तरों में बैठ के ये नियम बना रहे हैं, उन्हीं दफ्तरों के बीच में आज खड़े होके, रस्ते पे खड़े होके हमने जो आवाज उठाई है, उम्मीद है आने वाले दिनों में ये आवाज और बुलंद होगी और रेलवे निजीकरण का जो नियम लागू होने वाला है उसके खिलाफ इस देश की जनता, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान पुरजोर तरीके से उठ के अपनी आवाज उठाएगा। जो लोग देशभक्ति के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं उनके खिलाफ अंत में आइए सब, जिन्होंने इस देश का कोई और स्वरूप सोचा था, वो जो देशभक्त थे, जिन्होंने कोई और देश की कल्पना की थी, उनका गाना उनको याद करते हुए सब लोग इस सभा को अंत करते हैं। भगत सिंह तो जिंदा है, बहुत तो को पता ही होगा, अगर हर एक लहू के खतरे में शिवम, भगत सिंह तो जिंदा है, हर एक लहू के खतरे में तो कभी बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, पूरी मुक्ति नहीं है यारो, भगत सिंह तू जिंदा है। अब याद है भगता तेरी आती, अब याद है भगता तेरी आती, आग लगी है सीने में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के खतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के खतरे में, ये तख्त हमें ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब परमा
अल्लाह बोल साथी अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल निजीकरण पे अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल बेरोजगारी पे अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।